मॉर्निंग क्लास प्ले ग्रुप, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी का सिलेबस मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को, लेकिन आज मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। सभी बच्चे मेरे साथ एक बार दोबारा सिलेबस चेक देख लें। ओरल में आप लोग का आ रहा है छोटे आ से बड़े तक वर्णमाला चित्र के साथ, जो हम लोग पार्ट 9 वीडियो में याद कर चुके हैं। कविता कोयल बोली और कार्टून आ रही है, तो कोयल बोली हम लोग वीडियो पार्ट 10 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 11 में कौन सी पोयम याद करेंगे? कार्टून, ठीक है, जो हम लोग को पेज नंबर 85 पर मिल जाएगी। रिटन में हम छोटा ऊ बड़ा ऊ बना चुके हैं। आज हम लोग क्या बनाएंगे बताइए, क्या बनाएंगे सभी बच्चे? आगे का हम लोग अल्फाबेट वर्णमाला देखेंगे, आगे हम लोग को क्या बनाना है, ठीक है। छोटा ऊ हम लोग वीडियो 9 में बना चुके थे, और छोटा ए बड़ा ऊ भी हम लोग वीडियो 10 में बना चुके हैं। आज हम लोग जो है कॉपी में और स्कूल टाइम बुक में अपना जो है प्रैक्टिस करेंगे रारिशि बनाने की, ठीक है। तो रारिशि हम लोग आज रिटन में बनाना सीखेंगे। चलिए सभी बच्चे पहले हम लोग पोयम पढ़ लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी ऑल इन वन रीडिंग बुक को ओपन करेंगे। ये है आप लोग की ऑल इन वन रीडिंग बुक। इसी बुक में मैंने आप लोग को वर्णमाला भी याद कराई है और कोयल बोली पोयम भी पढ़ाई है। पेज नंबर 85 ओपन करिए कार्टून पोयम पढ़ने के लिए। ये आप लोग की पार्ट 10 में हम लोगों ने पढ़ी थी कोयल बोली, पार्ट 11 में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टून। तो सभी पेरेंट्स पार्ट 11 डाल दीजिए इस पोयम पर। अब चलिए सभी बच्चे मेरे साथ इस पोयम को पढ़ेंगे। कार्टून की सुनो कहानी, शिनचैन करे शैतानी, नोबिता करता मनमानी, किट्रेट्सु है बड़ा विज्ञानी, ठीक है। दोबारा एक बार रिपीट करिए। कार्टून की सुनो कहानी, शिनचैन करे शैतानी, नोबिता करता मनमानी, किट्रेट्सु है बड़ा विज्ञानी। आप लोग को दोनों पोयम याद करनी है। आप लोग की हाफ ईयरली सिलेबस में दोनों पोयम आ रही है, एग्जाम में दोनों पोयम आएंगी। तो सभी बच्चों को ये दोनों पोयम अच्छे से याद कर लेनी है। मैंने आप लोग को एक पोयम कोयल बोली पार्ट 10 में पढ़ाई है और पार्ट 11 में कार्टून पोयम याद करा दिए। सभी बच्चों को अच्छे से दोनों पोयम याद करनी है। चलिए अब हम लोग रिटन वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। बुक को क्लोज कर देंगे, अपनी साइड में रख देंगे। अब हम लोग स्कूल टाइम बुक जो है इसको ओपन कर लेंगे। तो स्कूल टाइम बुक ओपन करी, इसमें मैं आप लोग को बड़ा ऊ बनाना सिखा चुकी हूँ पार्ट 10 में। सभी बच्चों ने जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग आज बनाएंगे रारिशि पार्ट 11 में। तो डालिए पार्ट 11, यहाँ डेट शो करनी है सभी को वीडियो वाली, जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए फर्स्ट स्टेप हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप हम लोग का ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में हम लोग इसका ये बना देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और ये फिफ्थ, ये हमारा कंप्लीट हो गया रा से ऋषि, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, ये हो गया रा से ऋषि। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारा बन गया रा ऋषि। तो सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लें पढ़ पढ़ के, रा से ऋषि। ये भी आप लोग को थ्री लाइन में ही करना है, ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है और ब्लू पे ही कंप्लीट करना है। तो चलिए सभी बच्चे पढ़ के लिखिए, रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से
ऋषि। देखिए सब लोग साफ साफ वर्क बनाएंगे, बहुत इजी है हमारे ये बनाना। 5 स्टेप में आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। रा ऋषि, तो लिखिए रा से ऋषि। ठीक है, सभी बच्चे साफ साफ लिखिए। कोई भी बच्चा वर्क को गंदा नहीं करेगा, सब बच्चों को वर्क अपना बहुत नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, 3 लाइंस में बनाना है, 3 लाइंस में बनाइए। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ट्रेसिंग है, इसको होमवर्क डाल लीजिए। देखिए फर्स्ट स्टेप आप लोग की ये स्ट्रेट लाइन हो गई, सेकेंड लाइन ये हो गई, थर्ड ये हो गया, फोर्थ आप लोग का स्टेप ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। ठीक है, इसमें आप लोग कलर कर लीजिएगा, इसको ट्रेस अपने आप करिएगा। अब आ जाइए पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 में ट्रेसिंग लाइन आप लोग को अपने आप करनी है। नीचे मैं आप लोग को बताती हूँ, देखिए ब्लू लाइन पे हम लोगों ने लाइन पेंसिल रखी और स्ट्रेट लाइन ब्लू लाइन तक बना ली। ठीक है, फिर ब्लू लाइन पे रखते हैं हम लोग और ये येलो लाइन पर लाकर स्टेप पूरा करते हैं। फिर इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं। आप लोग के लिए इजी रहेगा ये ऐसे स्टेप का बनाना, आप लोग ऐसे बना लीजिए। रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से ऋषि। ठीक है, सब लोग बनाइए इसे। रा से ऋषि, 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 रा से ऋषि। ये आप लोगों ने बना लिया राशि ऋषि। ये आप लोग को बुक में कंप्लीट कर लेना है, पेज नंबर 27, 28, 29। तो पेज नंबर 29 मैंने आप लोग को होमवर्क में दे दिया है, ये आप लोगों को अपने आप ट्रेस करना है। पेज नंबर 29 की 3 लाइंस आप लोग को अपने आप ट्रेस करनी है। नीचे की 2 लाइंस मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि कैसे बनेगा। हर पेज पे आप लोग को डेट शो करनी है, डेट शो करना कोई भी बच्चा नहीं मिस करेगा। सब बच्चों को अपने अपने उस पर बुक्स पर डेट डाल देनी है। ठीक है, अब ये बुक बंद कर दीजिए, राइटिंग बुक अपनी। आज हम लोग कॉपी पर रा ऋषि बनाना सीखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपीज ओपन कर लीजिए। हिंदी की कॉपी आप लोग की ये रही। पार्ट 10 में हम लोगों ने बनाया बड़े उसे ऊन। पार्ट 11 डाल दीजिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की कॉपीज पर। डेट शो कर दिए जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। और अब हम लोग लिखेंगे रा ऋषि। तो स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, इस 3 लाइंस में ही आप लोग को बनाना है। बनाइए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, बन गया हमारा रा से ऋषि। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, अब चलिए सब बनाना स्टार्ट करिए इसको पढ़ पढ़ के। रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से ऋषि। फिर बनाइए रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से ऋषि। बुक में अच्छे से ट्रेस करिएगा, आप लोग को कॉपी पे बनाना बहुत इजी रहेगा। तो चलिए बनाइए दोबारा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप, ओके। फोर्थ स्टेप ही हो गया, फिफ्थ स्टेप आपकी ऊपर लाइन हो गई। तो बन गया रा से ऋषि, रा से ऋषि। पढ़कर बनाइए ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से ऋषि, रा से ऋषि। ये देखिए आप लोग का रा से ऋषि बन गया है। ये आप लोग को कॉपी में कंप्लीट कर लेना है रा से ऋषि। वीडियो पार्ट 11 में मैंने आप लोग को क्या बनाया बनाना सिखाया है, रा से ऋषि बनाना सिखाया है और कार्टून पोयम याद कराई है। सभी बच्चों को यहाँ तक वर्क कंप्लीट करना है, कॉपी में भी, अपनी स्कूल टाइम बुक में भी करना है और याद भी करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं आप लोग को क्या लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि ओरल वर्क हम लोग का मोस्टली कंप्लीट हो चुका है।
तो अब सिर्फ हम लोग का रिटन वर्क थोड़ा सा रह गया है, तो रिटन वर्क हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए जब तक सभी बच्चे यहाँ तक अपना वीडियो पार्ट 11 तक वर्क कंप्लीट करके रखें और याद भी करके रखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या लिखना सीखेंगे। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ तक अपना अपना वर्क कंप्लीट करके रखें, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा। ओके, थैंक यू।